गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल फूडी टी। आपका होस्ट दोस्त आपके फिर से खिदमत पे हाजिर है भाई। न्यू डे और न्यू एंड सेम कुजीन आपके लिए लेकर आ चुका है भाई। सेम इसलिए कि भाई हमने बहुत टाइम पहले एक पिज्ज़ा वगैरह ट्राई किया था। पिज्ज़ा स्लाइस मैंने आपको याद है बताया था, लीड्स में हमने ट्राई किया था इटालियन के हाथ पे, वो रोमन स्टाइल पिज्ज़ा जो बनाते हैं पूरा एक बैच में एक बनता है फिर उसको स्लाइसेस करके बेचा जाता है। तो खैर आज वही एक और ऐसी मैंने देखी है, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट या टेकआउट के लिए ऐसी प्लेस है जो है ना ऐसी पिज्ज़ा वगैरह सर्व कर रही है और भाई वो फुली हलाल है। और फुली हलाल होने के अलावा भी बल्कि उनके पास एक वाइड रेंज ऑफ पास्तास वगैरह भी हैं और भी मजीद उनके पास डिशेस वगैरह हैं। तो हमने सोचा भाई आज जाएंगे उनको भी ट्राई करेंगे और भाई चेक करेंगे कि भाई उनके पिज्ज़े विज्ज़े या उनके खाने खाने कैसे हैं। इटालियन कुजीन में इसको नहीं कहूंगा क्योंकि भाई वो इटालियन प्रॉपर इटालियन कुजीन तो नहीं कहलाई जाती क्योंकि वो एक टेस्ट देने के लिए होता है यहाँ के लोगों को भी। और क्योंकि कुजीन तो मेरे नज़दीक वही होती है जो ऑथेंटिक वहीं के लोगों से के हाथों से बनी हो या वहीं के मतलब बाशिंदों से, मतलब के जो यहाँ पे आके रह रहे हो भाई वो बना के दे रहे हैं आपको, मज़ा करा रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी तो कुजीन के साथ चलती है मेरी। बाकी खैर जाएंगे भाई, मेन चीज़ है खाना और खाना छाना खा कर आएंगे और आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। तो भाई चले मेरे साथ। ओके, हैलिफैक्स आ चुके हैं। डारियो स्लाइस करके नाम है जगह का भाई। मारियो तो सुना है ना, वो मारियो लुजी वाला जो गेम होता था, तो उसमें समझ लो डी लगा लो आगे डारियोस। तो भाई खैर अंदर जाते हैं और दिखाते हैं डारियो स्लाइसिस के क्या चीज़ें चलेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं। रेस्टोरेंट तो नहीं, छोटा सा टेकआउट प्लेस है क्योंकि सिर्फ एक टेबल ही लगाया हुआ है वो भी फरमाइश पे हमारी। और बाकी ऊंचे ऊंचे ये जो चेयर्स लगी होती है बार स्टूल्स वाली ये लगी हुई हैं। अगर आपने क्योंकि ये जो स्लाइसेस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये ज़्यादातर क्या होता है कि आप लें और जाएँ और खाएँ। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होता है और सिटी सेंटर में बहुत सी ऐसे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं कि ये तो जाहिर सा तब 12 इंच पिज्ज़ा तो अपनी पिज्ज़े की ठरक पूरी करने के लिए तो नहीं ले सकते ना, जो कि 7-8 पाउंड का उनको मिलता है। तो स्लाइसिस का क्या हिसाब होता है कि भाई अब 299 2 pound 199 इसके अंदर आ जाता है और आप ना आराम से खाते खाते जा सकते हैं। तो बहुत काफ़ी स्टूडेंट को इसमें बचत बचत हो जाती है। तो खैर बाकी भाई हमने भी खाने छाने ऑर्डर किए भाई। इस वक्त इनके पास बैंक में मतलब इनकी फूड बैंक में जो पिज्ज़े वाली जो होती है उसमें सिर्फ 4 पिज्ज़े लगे हुए थे, तो हमने सोचा वो चारों ही ले आए मंगाते। और हमने कोई 12 इंच वाला हमने भी नहीं किया क्योंकि हम भी स्टूडेंट भाई गरीब चल रहे हैं इस दफ़ा। और बाकी भाई हमने सोचा कुछ पास्ते शास्ते ट्राई किए जाएँ, तो 2 किस्म के पास्ते हमने ऑर्डर किए हैं, लसानिया वगैरह ऑर्डर कर लिया और बाकी और ही मजीद खाना वाना ऑर्डर किया। तो बाकी आता है तो आपसे मुलाकात करते हैं। चले भाई खाने भी मिलते हैं। चले भाई हाँ भाई, खाना छाना आ चुका है भाई, 2 टेबल सज चुके हैं हमारे लिए। और भाई सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं स्टार्ट करूँगा पिज्ज़ा स्लाइसिस से। ये देखे भाई, आ हा 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 भाई, पिज्ज़ा स्लाइस की जो असल गेम है ना, ये देखा है भाई, ये जो क्रस्ट है ना नीचे का, ये है असल गेम। ऊपर की टॉपिंग कुछ भी हो लेकिन क्रस्ट में और जो उसकी खमीर में मतलब जो उसके यीस्ट में जितना जोर होगा ना मतलब पिज्ज़े का, वो बताता है पिज्ज़े की असली गेम। ऊपर टॉपिंग आपने जो करवानी है करवाएं, मेरी भला से आप पाइनएप्पल करवाएं नहीं पाइनएप्पल ना करवाएं लेकिन भाई असल जो गेम होती है वो डो की होती है और क्रस्ट की होती है। तो भाई खैर ये है क्वात्रो फॉर्माजी, मतलब 4 चीज़ पिज्ज़ा। और भाई इसको डालते मुँह में क्योंकि मार्गरीटन के पास था नहीं अवेलेबल, तो मैंने बोला भाई ओजी पिज्ज़ा जब नहीं है तो चलो कोई चीज़ वाला सिंपल पिज्ज़ा ले लेते। तो भाई क्वात्रो फॉर्माजी, वाओ भाई बेहतरीन। जो इसके अंदर जो टोमेटो की जो वो प्यूरी डाली है ना, जो सालसा है इसका बेहतरीन है भाई। लग रहा है कि भाई नस्ली किस्म का कोई है ना, कैन टोमेटो नहीं है, मतलब कैन है लेकिन उसके ऊपर ही मतलब वो लोग ने अपने सीजनिंग वगैरह डाली हुई, अच्छा टेस्ट करा रहा है। चीज़ पे भाई काम है, चीज़ नस्ली किस्म की डलेगी और भाई बाकी क्रस्ट तो है ही बेहतरीन। एक और स्लाइस पेपरोनी हमने करवाई है भाई, सेम इसका भी वही कहूँगा क्रस्ट पे सारी गेम है, पेपरोनी का फ्लेवर ऊपर से आएगा, इसको भी टेस्ट करते हैं। ओहो भाई मैं 2 पिज्ज़ा टॉपिंग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एक मार्गरीटा और एक पेपरोनी। मेरे को ये ऊपर चिकन विकन इतने ख़ास पसंद नहीं आते हैं
बहुत से हमारे देसी भाई वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन मेरे को ओवरऑल पसंद नहीं है। तो भाई पेपरोनी मेरे लिए दी बेस्ट है, क्योंकि जो स्मोकीनेस आती है पेपरोनी की, जो फ्लेवर आता है अलग ही मज़ा कराता है, और इसका भी वही फ्लेवर मज़े करा रहा है भाई। बाकी भाई ये एक और आ चुका हमारे पास, ये मेरे ख्याल से स्पाइसी बीफ था, ये हमने ऐसे ही करवा लिया क्योंकि हमने इनका पड़ी हुई थी स्लाइस, उसको भी चखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हाँ ये ओके ओके है, वही सेम बेस है टमाटर की, और सेम ऊपर टॉपिंग डाली हुई है, चिकन मेरे को दिख रहा है उसमें, और बीफ था, बीफ भी मिंस हुआ मतलब कीमा दिख रहा है भाई, ये देखें कीमा डाला हुआ है और ये चिकन डाला हुआ है बस, और इतना खास टेस्ट नहीं है। बाकी भाई वेजिटेरियन हजरात के लिए भी पिज्ज़ा आ चुका है, आ हा हा दिखाएँ भाई। बेहतरीन भाई, कभी टेस्ट अच्छा है, वेजीज लड़ली हुई ऊपर से, और ओवरऑल क्रस्ट बेहतरीन, अंदर बेहतरीन, लेकिन ओजी पिज्ज़ा मेरे लिए अभी भी पेपरोनी भाई। अमरीकियों के साथ जाना चाहता हूँ, अमरीकियों की पसंदीदा पेपरोनी मेरी पसंदीदा पेपरोनी। आहा इसको करते हैं भाई साइड पे, भाई इसको करें साइड पे, उधर रखें भाई। आहा हा हा भाई दिखाएं, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, लज़ानिया। आहा हा 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 हा, चीज़ के घूंघट में ढकी हुई लज़ानिया। और भाई इसका दिखाएं भाई, पुल दिखाते हैं भाई, पुल दिखाएं, अगर कुछ पुल निकलता है भाई ये तो ज़्यादा पक गया है। हाँ 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 भाई, ये लज़ानिया को डिफरेंट किस्म का लग रहा है। तो क्या भाई, भाई लज़ानिया की लेयर्स मुझे इसमें दिख रही, ओ अच्छा ये रही भाई लेयर, देखो अंदर छुपी हुई थी हाँ लेयर्स उसकी सारी भाई, अच्छा लज़ानिया। लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड था इसके लिए, तो मेरी एक्साइटमेंट की ऊपर नहीं आ रहा, तो मुझे इतना खास पसंद नहीं आ रहा। अच्छा लज़ानिया के ऊपर एक सॉस डालते हैं बेशमेल सॉस, वो नहीं डाली हुई है, और हलाल लज़ानिया है मतलब बीफ का है लेकिन हलाल है। चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है, और असल में जो उसकी पेस्ट्री ना वो इतनी है, जो उसके ऊपर जो पास्ता जो हुआ हुआ है ना वो इतना है, बाकी सारा उसके ऊपर ना टॉपिंग हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लैक कर रहा है इसका टेस्ट। खैर इसको करते हैं साइड पे, और भाई ये दिखाएं, आ हा 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 तालिया तेल्ले आला क्रेमा भाई, तालिया तेल्ले कहते हैं पास्ते की इसको, इस जात को दिखाएं भाई, रुक जाओ। ये जो होता है ना स्पगेटी होती है, लेकिन समझ लो कि 3-4 मोटी सी स्पगेटी, इसको कहते हैं तालिया तेल्ले। बहुत से पाकिस्तान में इसको फेतुचिनी भी कहते हैं, लेकिन ये है तालिया तेल्ले अल्ला क्रेमा। आ हा 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 ये तो खैर आएगा नहीं, मेरे को ऐसे ही इसको खाना पड़ेगा भाई, क्रीमी क्रीमी। आ हा हा गर्मा गर्म, वाओ भाई क्रीमी, मशरूम डाले हुए इसके अंदर, दिखाएं मशरूम दिख रहे हैं आपको इसके ऊपर, तालिया तेल हैं और क्रीमी तालिया तेल है, माइल्ड सा टेस्ट है, मशरूम का क्रंचीनेस आ रहा है, ओवरऑल बहुत मज़े हैं। हाँ 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 इसको भी करते हैं साइड पे, और ये दिखाएं भाई, ये है हमारा पेन्ने नापोलिताना, दिखाएं इसके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है भाई, पेन्ने इस वाले जो जात को, इस जात का जो पास्ता होता है उसको कहते हैं पेन्ने, और भाई इसके अंदर मुझे ये दिख रहे हैं अनियंस दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ वेजीज वगैरह दिख रही है, शिमला मिर्च वगैरह लोग ने अपना सा वेरिएशन इसका बनाया हुआ, चीज़ दिख रहा है जिस जो कि उनके मेल्टेड हो चुका है, इसको करते हैं साइड पे। आ हा हा नाइस भाई, इसकी जो टोमेटो सॉस है ना हल्की सी टेंगी है, मतलब टेंगी मतलब हल्की सी ना एक सावरी किस्म की है, प्याज की वजह से, क्योंकि उसने अपना एक फ्लेवर दिया है, वेजीज डली में जैसे पेपर्स वगैरह हो गए वो डली हुई है, तो जिसके से टेस्ट काफ़ी चेंज हुआ है इसकी टोमेटो सॉस का, ओवरऑल अच्छा है। मैं इतना ख़ास फैन नहीं हूँ इस टाइप ऑफ सॉस का, क्योंकि मुझे सिंपल सी जो टमाटर सॉस होती है पेस्टो डली हुई वो मुझे बड़ी पसंद आती है भाई। पेस्टो वर्ड याद रखना, पेस्टो से मुझे याद है हमने मंगाई थी भाई इनकी पेस्टो चिकन सैंडविच भी। हा 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 दिखाएँ भाई, पनीनी इसको लोग ने कहा है पिज्ज़ा पनीनी, लेकिन चलो सैंडविच कह लेंगे इसको। अब भाई पेस्टो क्या होता है, सवाल तो ये पैदा होता है, पेस्टो भाई एक पेस्ट होता है जो कि बनता है नट्स से, एक नट्स होते हैं उसके, बेजिल गार्लिक और पार्मेजान और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके कूट कूट के उसका एक पेस्टो बनता है, ग्रीन कलर का होता है,
बहुत सी जगह पे शायद लोगों को वाकिफ़ होगा, लेकिन जिनको वाकिफ़ नहीं उनके लिए मैंने बताना वाजिब समझा। बाकी मेरा भाई वो दी बेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है पेस्तो, मैं पास्ते में भी पेस्तो ही पसंद करता हूँ। खैर इसको भाई ट्राई करते हैं। भाई बेहतरीन 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 भाई, इधर आए ये डो देखो, ये जो ब्रेड है ना भाई, मेकिंग के टोटल ना लोगों ने 30 से 40 मिनट लिए, लेकिन वो वसूल है। बोलो क्यों? हर चीज़ फ्रेश बनी है भाई, कोई ये ब्रेड बाहर से नहीं आई है, किसी होल सेलर से नहीं आई है भाई, लोगों ने खुद बनाई है अपने ओवन में, मेरे सामने निकाली है ब्रेड, और ये उसी डो की बनी हुई है जो कि डो लोग इस्तेमाल करते हैं पिज्ज़ा के लिए। तो भाई देखें इस तरीके से, मतलब चीज़ों को डिटेलिंग से काम किया, पेस्तो का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब जो, और पेस्तो भी मेरे को लग रहा है कि लोग शायद खुद बना रहे हैं, क्योंकि टेस्ट जो है ना मार्केट वाला जो पेस्तो होता है उसका बहुत डिफरेंट होता है। मैं घर पे आता रहता है मेरे, क्योंकि मैंने जिस बताया मैं पसंद करता हूँ पास्ता, तो मैं अंदाज़ा कर पा रहा हूँ कि वो नहीं है। अच्छा चीज़ इसके अंदर डाली हुई है, और क्योंकि इसको प्रेस किया हुआ था तो चीज़ मेल्ट हो चुकी है पूरी, अंदर तक चिकन है, क्यूब्स चिकन डले हुए हैं इसके अंदर, और बाकी भाई बेहतरीन टेस्ट, नो केचप नो मायनीज भाई। पनीनी में अगर पेस्तो आ गया तो केचप मायनीज की गेम ही नहीं है फिर इसके आगे। खैर इसको करते हैं साइड पे, और भाई भाई चीज़ी गार्लिक नोक दिखाएं। हमने सोचा कि भाई वैसी भी ऑथेंटिसिटी तो है नहीं, तो सोचा गार्लिक नोट्स भी ट्राई किए जाएँ, और वो भी चीज़ वाले, ओ हो अरे है, अबे भाई चीज़ कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गई, कुछ ज़्यादा ही जम चुकी है, अब ये बाहर नहीं आ रहे भाई, इनको लगता है हाथों से ही निकाल कर खाना पड़ेगा। ओए होए ये दिखाएं भाई, ओए होए 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 ओए तेरी खैर, इतना लंबा, बहुत लंबा। अबे भाई बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो चीज़ से भी नहीं निकल रहे थे, ऊपर से गार्लिक नोट्स शायद ताज़े नहीं हैं क्या, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं चबाने में। गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, वही सेम डो जो मैंने बताया इस्तेमाल की गई है पिज्जे के लिए, वो गार्लिक नोट के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे को ख्याल से एंड में खा जा रहा है, थोड़े ठंडे हो चुके, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, और यूके में ऑटम आ चुका है तो ठंड हो चुकी है, तो खैर गार्लिक नोट जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसा ठंडे लग रहे तो कोई फ्लेवर नहीं करा रहे तो मुझे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर भी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, या मे भी शायद जो मैंने पीस लिया उसमें कम हो वह मैं नहीं कह सकता। खैर मीठा आ गया भाई हमारे पास, ओए होए 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 ये दिखाएं भाई, हाय 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 नुटेला पिज्ज़ा भाई, इसकी प्राइस पता है कितनी है? 499 यार, 499 इतने पिज्ज़े के लिए, और इतना जो क्वालिटी वाला पिज्ज़ा है उसके लिए तो मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। ओए होए 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 हाय 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 बेहतरीन भाई बेहतरीन। ओए होए होए भाई इतना बेहतरीन नुटेला पिज्ज़ा, मज़ा करा दिया, ऊपर से लोग ने पाउडर शुगर डाली है भाई, गेम चुक के रखी है पिज्ज़ों की लोग ने, आप भी हैं चक्कर लगाएं भाई इधर, पिज़्ज़े शीज़े इनके ट्राई करें, और बाकी मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि अभी फड़म फाड़ी स्टार्ट होगी। चले भाई फिर भाई, खाना शाना हो गया, VIP खाना शाना हो गया भाई, मज़ा आ गया, और यार ओनर से ही बात की तो बड़े अच्छे लोग थे, बड़ा अच्छा खाना वाना सर्व करे। बाय द वे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लग रहा नहीं था कि भाई ये प्रॉपर इटालियन लोग होंगे, ये प्रॉपर इटालियन लोग नहीं थे, ये थे टर्किश, लेकिन भाई खाने की गेम चुक के रखी हुई थी, मज़ा करा दिया भाई। ये भी तो कि मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल करीब करीब थे, लेकिन इस प्राइसिस में मतलब इतनी हमने खाना आना खाया, 50 pound बिल बना था तो प्राइसिस भी सही हैं, और देखा जाए तो पिज्ज़ा स्लाइस वगैरह गेम चुक के रखी हुई लोग ने भी बेहतरीन भाई बना रहे, और 30 साल से भाई मार्केट में, फिर वो भाई मज़ा करा दिया लोग ने भी आज खाने खाने का, और भाई आपको भी उम्मीद है मज़ा आया होगा, और इसी मज़े के साथ आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहिए मेरे साथ, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, ओके।